हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज़ क्लास। और आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहें। सो आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी लेटेस्ट मेहंदी लगाना, जो भी लेटेस्ट डिज़ाइन होती है। और साथ साथ हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि मेहंदी को जोड़ते कैसे हैं, फिलिंग वाली डिज़ाइंस को ज्वाइन कैसे करते हैं। प्रीवियस क्लास में भी मैंने लेटेस्ट ही डिज़ाइंस बताई थी, लेकिन कोई भी डिज़ाइन उसमें फिलिंग वाली नहीं थी, लेकिन आज वाली मेहंदी में फिलिंग वाली डिज़ाइन होगी। तो हम बेस लेंगे फ्लावर, हम फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। ये वाला फ्लावर मैंने आपको बनाना बताया है, नॉर्मल जो लीफ शेप की पेटल होती है ये वाला फ्लावर है। आउटलाइन हमेशा मोटी रखेंगे, उसके पीछे भी रीज़न बताया था कि जब हम अंदर की फिलिंग करते हैं, अंदर कुछ भी फिल करते हैं, तो हमारी फिनिशिंग बनी रहती है। अब हम अपने फ्लावर को अंदर से फिल कर देंगे डीप। आप चाहे तो शेडिंग भी डाल सकते हैं, एक डॉट भी दे सकते हैं, जैसे आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो। और इसके आसपास की अब जो हम फिलिंग करेंगे वो थोड़ी लाइट फिलिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी फिलिंग नहीं रखेंगे, जिससे कि एक क्लियरिटी, एक डिस्टिंक्शन बना रहे कि एक डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से डिफरेंट है। और जितनी भी डिज़ाइंस मैं बता रही हूँ आपको बनाना, जैसे आज की क्लास में और प्रीवियस जो मैंने इससे पहले वाली क्लास ली थी उसमें, ये सब बहुत ईजिली हम लोग सीख सकते हैं। तो अगर हम ईजी डिज़ाइन से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जितनी भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है बहुत ईजिली बना लेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दिखेगी अगर हम इसमें फिनिशिंग अचीव कर लेंगे तो। और ये सब जितनी भी डिज़ाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होती। अगर आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेहंदी लगानी है और बहुत अच्छी डिज़ाइन आपको चाहिए, यूनिक डिज़ाइन चाहिए, तो आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं फटाफट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि इसके बाद ये बनाए, इसके बाद ये बनाए, कुछ छोटी 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 डिज़ाइन बना के स्पेस फिल करके एक परफेक्ट लुक दे देना है। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप लोग, अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई फ्लावर आप बेस ले रहे हैं तो वो फ्लावर जहाँ भी आप दूसरी जगह, जैसे अब यहाँ पे आप अगर रोज़ का फ्लावर, बड़ा रोज़ का फ्लावर यूज़ कर लेंगे डार्क फिलिंग वाला, तो बहुत गंदी लगेगी डिज़ाइन, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो बेस फ्लावर लिया है वही फ्लावर आप बार बार हर जगह लें। अभी जो नेक्स्ट डिज़ाइन बनाना बता रहे हैं, इस ये भी एकदम बहुत सिंपल है, स्ट्रेट जाएगी। आप चाहे तो इसे कर्वी फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बना के बता रही हूँ। हाथों पे जब भी लगाएं तो आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, स्ट्रेट लगानी है स्ट्रेट लगा लीजिए, कर्वी लगानी है कर्वी लगा लीजिए। ये डिज़ाइन और ज़्यादा आसान है प्रीवियस डिज़ाइन से, प्रैक्टिस करने के बाद और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इसमें आप, मैंने एक बेस फ्लावर लिया है रोज़ का। अब देखिए, मैं रोज़ के फ्लावर्स की रिपीटेशन करूँगी आगे जब भी मुझे फ्लावर्स बनाने होंगे। तो अब मैं वैसे ही एक मैंने बेस डिज़ाइन ले लिया, उसके आसपास लाइट 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 फिलिंग करके मैं आगे डिज़ाइन एक्सीड करूँगी। अभी ये जो मैंने लार्ज कोमा शेप डिज़ाइन बनाई है, इसके सेंटर की स्पेस मैं फिल कर दूँगी। देखिए, कुछ भी आप ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिएगा, स्पेस थोड़ी खुली खुली छोड़िएगा जब भी आप डिज़ाइनर मेहंदी लगा रहे हो। वो बेस होता है कि बहुत ज़्यादा, और इवन खुली क्या, अगर आप कॉम्प्लेक्स ब्राइडल मेहंदी भी लगा रहे हैं तो उसमें भी आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी स्पेस दीजिएगा मेहंदी को। लाइक अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डेंस डिज़ाइन हो गई है तो थोड़ी सी स्पेस आप दे सकते हैं, इससे डिज़ाइन में क्लियरिटी आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं खाली जगह छोड़ रहे हैं या फिर एक स्पेस छोड़ रहे हैं, थोड़ी सांस लेने दीजिएगा डिज़ाइन को। अभी यहाँ पे इस डिज़ाइन में हमारा जो बेस पार्ट है ये कोमा शेप डिज़ाइन है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेहंदी लगा रहे हैं तो डायरेक्शंस, मोर का डायरेक्शन हो, कैरी का डायरेक्शन हो, फ्लावर्स का डायरेक्शन हो, या इस कोमा शेप डिज़ाइन का डायरेक्शन हो, या फिर बेल का डायरेक्शन हो, याद रखें कि ये ऑल्टरनेटिव चलना चाहिए, एक इधर एक उधर। अभी जो नेक्स्ट डिज़ाइन मैं आपको बनाना बता रही हूँ ये सुपर लेटेस्ट डिज़ाइन है। आजकल ऐसा रहता है यार ये कैसे बनी, तो इसमें कुछ नहीं है, आपको शेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस डिज़ाइन में। इसमें मैं बूटे बूटे बनाऊंगी और फिर उन्हें कनेक्ट कर दूंगी बाय ये चेन डिज़ाइंस
कह सकते हैं आप लोग, चेन डिज़ाइन से मैं कनेक्ट कर दूँगी। तो अभी मैंने जो फर्स्ट बूटा बनाया, देखिए जो बीच का सर्किल है ना, ये तो चलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा, लेकिन इस सर्किल के चारों तरफ की स्पेस भरने के टाइम में हम क्या करते हैं ना, सर्किल का शेप बिगाड़ देते हैं। हमसे भी होता था ये कांड, हमने भी किए हैं, तो हम है ना सर्कल का शेप खराब कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेहंदी है वो ऑड लगने लगती है। तो आप भी इस बात का काफ़ी ध्यान दें कि जो आपका सर्किल है या फिर आप स्क्वायर बना रहे हैं या फिर जो भी शेप दे रहे हैं उसका शेप डिफॉर्म ना हो जब उसके आप बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे दूसरा सर्किल भी रिपीट किया है, सेम डिज़ाइन मैं रिपीट करूँगी, वही सेंटर में रोज़ का फ्लावर लेके आसपास की स्पेस भर के, और फिर एट लास्ट मैं इसको चैन से कनेक्ट कर दूँगी। अभी मेरा दूसरा बूटा भी कंप्लीट होने वाला है। अब मैं इसको चेन से कनेक्ट करूँगी। चेन के लिए मैं यहाँ पे लीफ पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। आप डॉट पैटर्न्स भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, या डिफरेंट पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं।